12 फरवरी को आजमगढ़ जाएंगी प्रियंका गांधी। सीएए के खिलाफ धरने पर लोग यहां बैठे हुए हैं, उन लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बुलरियागंज के मौलाना अली पार्क में धरने पर बैठे हैं लोग, उन लोगों से मुलाकात करेंगी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। 12 फरवरी को आजमगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम प्रियंका गांधी का। सीएए के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात करेंगी। लगातार जब से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद एक के बाद एक दौरे उनके हो रहे हैं। इससे पहले काशी का दौरा हाल ही में उन्होंने किया, और अब जो खबर वो ये कि आजमगढ़ जाएंगी प्रियंका गांधी। 12 फरवरी को आजमगढ़ जाएंगी प्रियंका गांधी। चंद्रमणि शुक्ला जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। चंद्रमणि, जिस तरीके से सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है, आजमगढ़ में प्रियंका गांधी का पहुंचने का कार्यक्रम है, क्या कुछ खबर? जी बिल्कुल, जिस तरह से सीएए को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और उसी को लेकर जो आजमगढ़ में हिंसा हुई थी उसमें कुछ लोगों की जान गई थी, उसी को लेकर प्रियंका गांधी कल आजमगढ़ जाएंगे, जिसमें जो हिंसा में जिन लोगों के परिवार को क्षति हुई थी या जिन लोगों को नुकसान पहुंचा था उनसे मुलाकात करेंगी। तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ जाकर ये, क्योंकि अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पोस्टर अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के लगे थे और ये मांग की गई थी कि अखिलेश यादव और अब प्रियंका गांधी जा रही, तो इसका मतलब ये साफ है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के तौर पर प्रियंका गांधी अपने आप को पेश करना चाहती है, उसी के चलते अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करें कि यूपी पर खासतौर से प्रियंका गांधी नजर बनाए हुए हैं, जिस तरह से अभी बीते दिन ही बनारस पहुंची थी और उसके बाद में हफ्ते भर के अंदर ही 12 फरवरी को आजमगढ़ पहुंच रही, तो ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पूरी तरह से सक्रिय है। जी, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। चंद्रमणि, फिर आएंगे आपके पास हम अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।